मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो खिड़की के सामने बैठकर एक आदमी का इंतजार कर रहा था। ये आदमी एक किलर है और सामने वाले बिल्डिंग में एक आदमी का इंतजार कर रहा था। वो पूरी रात इंतजार करता है लेकिन वो आदमी सामने वाले बिल्डिंग में नहीं आता। अगली सुबह वो मैकडी से बर्गर लेकर आता है और उसे बिल्डिंग के सामने बैठकर खाता है। उस रात एक काली गाड़ी से एक बिजनेसमैन आता है और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। किलर उस बिजनेसमैन को देख के मन ही मन खुश हो जाता है। वो बिजनेसमैन अपने हॉलीडे बिताने के लिए उस होटल में आया था। किलर फिर अपनी बंदूक सही करता है और उसको टारगेट पे लगाता है। बिजनेसमैन एक लड़की को भी लेकर आया था। वो लड़की कम कपड़ों में बिजनेसमैन के सामने नाच रही थी। तभी वो किलर अपने गन का स्कोप ऑन करके उस बिजनेसमैन की तरफ करने लगता है। सब कुछ परफेक्ट करने के बाद वो किलर गोली चलाने के लिए रेडी था। वो सारे सिचुएशन को ध्यान से देखता है और फिर गोली चला देता है। जब वो गोली चलाता है तभी वो औरत जो बिजनेसमैन के साथ आई थी वो नाचते नाचते बिजनेसमैन के सामने आ जाती है और वो गोली उस औरत पर लग जाती है। इसके कारण किलर थोड़ा पैनिक हो जाता है। ये उसके लाइफ में पहली बार हुआ था कि उसके हाथ से एक टारगेट छूट गया था। तभी बिजनेसमैन के गार्ड रूम के अंदर आ जाते हैं और वो जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन की सिक्योरिटी भी और ज्यादा बढ़ाई जाती है। ये देखकर किलर और ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि अब उसको इस मिशन के पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद किलर जल्दी से अपने गन को पैक करने लगता है। पूरी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद वो किलर वहां से निकल जाता है। वो बिल्डिंग के नीचे जाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। निकलते वक्त वो सामने वाली बिल्डिंग में देखता है जहां पे बहुत सारे पुलिस आ गए थे। फिर वो किलर अपने स्कूटर रास्ते पे ही छोड़ता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है और वहां पे शेविंग करके अपना पूरा लुक बदल देता है। उसके बाद वो किलर एयरपोर्ट पर जाता है और वहां से पहले वाली फ्लाइट लेकर उस शहर से निकल जाता है। एरोप्लेन में वो एक आदमी को देखता है जो उसको ही देख रहा था। उसको लगता है कि वो आदमी उसे मारने के लिए आया है। तभी उस किलर को अपने बॉस का फोन आता है जिसमें उस किलर को बॉस बोलता है कि तुमने उस आदमी को ना मारकर एक बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनने के वजह से वो उस रात सो नहीं पाता। वो एक चाकू लेकर बेड के बगल में बैठ जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई उसे मारने के लिए जरूर आएगा। लेकिन पूरी रात बीत जाती है लेकिन उसको मारने के लिए कोई नहीं आता। अगली सुबह वो दूसरी फ्लाइट पकड़कर दूसरे शहर में जाता है। फिर वो अपने अड्डे पर जाता है जहाँ पर वो कई महीनों के लिए आगे छुपने वाला था। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि दरवाजे के सामने कुछ सिगरेट पड़े हुए थे। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो गन लेकर अंदर भागते हुए जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि घर की सारी चीजें इधर उधर थी और दीवार पर भी खून लगा हुआ था। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है और वो देखता है कि उसके गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो एक बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर फिर उस किलर को बताता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर है और वो कभी भी मर सकती है। फिर उस लड़के का भाई उस किलर को बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर किलर उसको बोलता है कि मुझे पूरी बात बताओ, उस रात क्या क्या हुआ था। फिर वो लड़का बताता है कि दो लोग थे, एक आदमी था और एक दूसरी औरत थी, और वो दोनों किलर को मारने के लिए आए हुए थे लेकिन वहाँ पे किलर नहीं था इसलिए उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया। उसके बाद वो किलर बोलता है कि तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, अब से मैं उसकी देखभाल करूंगा। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और अपने गार्डन की मिट्टी हटाता है। मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ा लॉकर था। उस लॉकर को जब वो खोलता है तो उसमें बहुत सारे गन्स और वेपन्स थे। उसके बाद वो सारे गन्स निकालता है और उन्हें बहुत अच्छे से अरेंज करता है। उसके बाद वो ठान लेता है कि वो उन आदमियों को जरूर मारेगा जिसने उसकी गर्लफ्रेंड की ये हालत की हुई है। उस रात वो एक कैब ड्राइविंग एजेंसी के सर्वर रूम पे जाता है और वहां पर काम करने वाले मैनेजर को पकड़कर बांध देता है। वो देखना चाहता था कि कितने लोग पिछले हफ्ते उसके घर पर कैब से आए हुए थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वो कैब ड्राइवर मिल ही जाता है जिसने उस दोनों किलर को घर पर लाया हुआ था। उस बंदे का नाम लियो था जिसने उन दो किलर को घर पर ड्रॉप किया हुआ था। अगली सुबह किलर लियो को ढूंढता है और जाकर उसके कैब में बैठ जाता है। कैब में बैठ जाने के बाद किलर फिर अपनी गन निकालता है और उन दो पैसेंजर के बारे में लियो से पूछने लगता है। लियो फिर डर जाता है और किलर को सब कुछ सच सच बता देता है। लियो बताता है कि वो दो लोग थे, उनमें से एक आदमी था और दूसरी औरत। उनमें से जो आदमी था वो बहुत ज्यादा मोटा था और जो उसके साथ औरत थी वो करीब 40-50 साल की होगी। लियो बताता है कि मैंने उनको आपके घर पर छोड़ दिया था और उसके बाद मैं घर के सामने एक घंटा रुका हुआ था और जब वो लोग वापस आए तो उनके कपड़ों
कपड़ों पर खून के दाग थे। ये सब कुछ सुनने के बाद लियो कैब को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। किलर फिर लियो को मारकर उसके कैब से निकल जाता है। उसके बाद किलर एक स्टोरेज रूम में जाता है और वहाँ में फाइल ढूंढने लगता है। जल्दी उसे वो फाइल मिल जाती है और उसे लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि किलर ने कुछ गार्बेज क्लीनर के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वो एक अपार्टमेंट में घुस जाता है। अपार्टमेंट में वो डॉलर्स से मिलता है। वो डोलारस से कहता है कि तुम अपने बॉस के पास मुझे लेकर जाओ। उसके बाद डोलारस उसको अपने बॉस के पास लेकर जाती है। उसके बॉस का नाम हार्जेस था और जिसके ऑफिस में जाती है किलर ने एक लैपटॉप के ऊपर दो गोलियां चलाई। उस लैपटॉप में हार्जेस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद वो उसी गन से हार्जेस के ऊपर 3 गोलियां चलाता है। उसकी वजह से हार्जेस वहां पे ही मर जाता है। फिर वो किलर डोलारस से पूछता है, अगर तुमको मरना नहीं है तो तुम मुझे उनके घर लेकर जाओ। उसके बाद वो दोनों उन किलर के घर जाने लगते हैं, पर वो किलर घर पर नहीं थे। ये देखने के बाद किलर डोलारस को मार देता है। उसके बाद किलर डोलारस ने दी हुई लोकेशन पर जाता है। वहां पर देखता है कि कुछ लोग एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उसके बाद वो एक रात ब्रूट को मारने के लिए उसके घर में चला जाता है। वो किलर पहले तो उसके कुत्ते को कुछ खाने के लिए देता है, जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई हुई थी। कुत्ता सो जाने के बाद वो ब्रूट के घर में घुस जाता है। उसके बाद ब्रूट और किलर दोनों की बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर हैंड कॉम्बैट फाइट करने के बाद वो किलर उस ब्रूट को मार देता है। ब्रूट को मारने के बाद वो किलर उसके पूरे घर को जला देता है। ब्रूट को मारने के बाद वो उस लड़की के पीछे जाता है जिसने उसके गर्लफ्रेंड को मारा हुआ था। उस लड़की का कुछ नाम नहीं था, लेकिन उस लड़की को सब लोग द एक्सपर्ट के नाम से जानते थे। वो लड़की एक रेस्टोरेंट में जाती है। किलर भी उसके पीछे रेस्टोरेंट तक जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। उस लड़की को पता था कि उसकी मौत सामने है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स फील करती है। उसके बाद वो किलर उस औरत को बाहर लेकर जाता है। बाहर जाने के बाद वो औरत किलर से नीचे पेट कर उसकी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन वो किलर उस पे कोई रहम नहीं दिखाता और उसे गोली मार देता है। उसके मरने के बाद हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में चाकू था और वो किलर को मारने वाली थी। उसके बाद हम देख पाते हैं कि किलर अपने घर पर आ जाता है और वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए कॉफी बनाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर नजारे का आनंद ले रही और हम देख पाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले से ज्यादा रिकवर हो चुकी है। और इसी साइलेंट सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलना।